हेलो गाइस, आप लोग भी करना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी को डीएक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी करना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कुछ टाइम के लिए। आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो वो आप लोग कर सकते हो। वेरी इजी सिंपल स्टेप है, तो आप लोगों को उसके लिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो न्यू अपडेट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल लेना, अपनी आईडी के ऊपर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर में ही टॉप में है वो थ्री लाइन दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करना। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी स्टेप मिस किया तो आपको है वो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना पूरे एंड तक, ठीक है। आपको आपको जरूरत नहीं है फिर भी आपको कभी ना कभी लाइफ में डीएक्टिव करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपने अगर सीखा हुआ होगा तो आप भी डीएक्टिवेट कर पाओगे वेरी इजी, ठीक है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो माली यूट्यूब चैनल को, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट सेंटर के ऊपर क्लिक कर लेते हो, उसके बाद में एक बार आपको चेक कर लेना कि आपको कौन से वाले अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है। अभी मेरा यहाँ पर एक ही अकाउंट लॉगिन है, आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर है वो बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे, मेरा एक ही अकाउंट है तो यही सिलेक्ट है, तो मैंने चेक कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको पर्सनल डिटेल्स का, ठीक है। तो आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हो, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है आप लोगों को, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को डीएक्टिवेशन और डिलीशन, इसका मतलब होता है आप अपने इंस्टाग्राम को परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको वापस से आगे बढ़ना है। उसके बाद में आप यहाँ पर अकाउंट दिखाई देगा कि कौन सा अकाउंट आपको लेना है, तो यही अकाउंट लेना, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर है वो दो ऑप्शन दिखाई देते, एक तो दिखाई देता मुझे डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेट योर अकाउंट इज टेम्परलेरी एंड मीन्स दैट योर प्रोफाइल विल बी हिडन ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आप डीएक्टिवेट करोगे तो ये आपका अकाउंट है हाइड हो जाएगा, आपका अकाउंट किसी को भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को है वो लॉगिन कर लोगे वापस, तो ये ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। तो अभी मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर लिया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिया, यहाँ पर मेरा पासवर्ड मांग रहा है, जो भी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड है, मुझे ये अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, तो मैं अपने अकाउंट के पासवर्ड है वो यहाँ पर है वो डाल देता हूँ एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपने पासवर्ड डाल दिया। अभी ये बता रहे कि आप है वो किस लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई प्राइवेसी इशू हो गया है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप स्कूल से रिलेटेड कहीं पर बिजी हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आई नीड अ ब्रेक, आपको अगर ब्रेक लेना है कुछ भी तो यहाँ पर आपको ये वाले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, जो आपकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डीएक्टिवेट अकाउंट, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर। तो जैसे दोस्तों आप डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा है अकाउंट है वो डीएक्टिवेशन हो गया, देख सकते हो मेरा अकाउंट है वो हमेशा के लिए हट गया, ठीक है। तो अभी मैं डीएक्टिवेट हो गया, देख सकते हो आप लोगों के सामने। तो इस टाइप से आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, ये मेरा दूसरा अकाउंट खुल गया, तो मेरा जो अकाउंट डीएक्टिवेट करना था वो मैंने डीएक्टिवेट कर लिया, तो अब वो अकाउंट किसी को भी नहीं दिखेगा, वो हाइड हो गया। जब मैं उसको वापस से लॉग इन कर लूँगा तो वो है वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी मैंने है अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लिया। तो इस टाइप से आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।